हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे व्हाट इज प्रायोरिटी एनकोडर। तो सबसे पहले हम एनकोडर क्या होता है वो रिवाइज करेंगे। तो एनकोडर इज अ सर्किट दैट कन्वर्ट्स बाइनरी कोड इनटू डेसिमल नंबर, परफॉर्म्स अपोजिट एक्शन ऑफ डिकोडर, has number of input lines and only one of which is activated at a time. At output, it displays the corresponding value of activated input. और अब BCD encoder क्या है, तो मैंने वो last lecture में explain किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो आप देख लो। BCD encoder जो है उसमें 10 इनपुट्स होते हैं और 4 आउटपुट्स हैं, जो कि ये डेसिमल है और यहाँ पे हमें बाइनरी कोड मिलता है। अब बीसीडी एनकोडर में क्या था कि हम जिस भी इनपुट को प्रेस करेंगे सिर्फ उसी का हमें आउटपुट यहाँ पे मिलता है। और इसमें क्या है कि हम एक टाइम को सिर्फ एक ही इनपुट को प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 10 नंबर ऑफ स्विचेस है और 0 और 1 आउटपुट मिलता है। अब इसमें जब हम एक स्विच को प्रेस करेंगे तो ही हमें आउटपुट मिलेगा। अगर बाय चांस सपोज कर लो कि हमने 1 को और 5 को दोनों को सेम टाइम पे इनपुट दिया है, यानी कि सेम टाइम पे ये स्विच हमने क्लोज किया है, तो अब आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि 1 का आउटपुट मिला है या 5 का आउटपुट मिला है। तो उसके लिए हम प्रायोरिटी एनकोडर यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्रायोरिटी एनकोडर क्या है। ये जो बीसीडी एनकोडर है इसमें हम एक टाइम को सिर्फ एक ही स्विच को ऑपरेट कर सकते हैं, बट प्रायोरिटी एनकोडर में हम मल्टीपल स्विचेस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है प्रायोरिटी एनकोडर, जिसमें 0 to 9 मल्टीपल इनपुट से जो कि डेसिमल है और यहाँ पे हम बाइनरी आउटपुट ले रहे हैं। ऑल इनपुट एंड आउटपुट्स आर एक्टिव लो। यहाँ पे अब देख रहे हो, ये पीछे वाली डायग्राम देखो, यहाँ पे हमने इनपुट और आउटपुट लगाए हैं, बट उसको हमने नॉट गेट नहीं लगाया है। बट इस डायग्राम में 0 से लेके 9 और ये जो बाइनरी आउटपुट है सबको हमने, ये यहाँ पे जो राउंड दिख रहा है ये है नॉट गेट। तो यहाँ पे सारे जो इनपुट्स एंड आउटपुट्स है वो एक्टिव लो होते हैं, यानी कि जो भी हमें पहले आउटपुट या इनपुट हम दे रहे थे उसका अपोजिट यहाँ पे होगा सारा। तो यहाँ पे जो आईसी यूज करते हैं वो है 74147 और इसकी प्रायोरिटी जो होती है वो 0 से लेके 9 तक होती है, यानी कि 0 को सबसे कम प्रायोरिटी होती है और 9 को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है। सो अगर हमने 0 और 5 को अगर साथ में ऑपरेट किया है तो हमें आउटपुट किसका मिलेगा, 5 का मिलेगा, क्योंकि 5 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ पे देखो, जब भी हम एक्टिव लो, यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम है एक्टिव लो डेसिमल इनपुट्स और ये है एक्टिव लो बीसीडी आउटपुट्स। यहाँ पे आपको डिजिट्स दिखेंगे जो कि डेसिमल डिजिट्स है। अब यहाँ पे सारा जो है वो एक्टिव लो होता है, यानी कि ये जो डायग्राम है इसमें हमें जो भी इनपुट देना है, यानी कि यहाँ पे हमें हाई की जगह पे लो इनपुट देना पड़ेगा, यानी कि इनपुट में हमें 0 जब देंगे तब ही हमें आउटपुट मिलेगा और जो भी आउटपुट मिलेगा उसका हमें उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे अगर ए में 0 मिला है तो उसका हमें 1 करना पड़ेगा, तब वो हमें हमारा रेगुलर जो बीसीडी कोड है उस तरह से दिखेगा। ये याद रखना है कि इसमें सारी चीजें एक्टिव लो होती है। अब 0 के लिए तो सबसे पहले सारे जो इनपुट्स होते हैं वो हाई रहेंगे, यानी कि 1 रहेंगे, तो बीसीडी यानी कि जो हमारा आउटपुट है वहां पे भी सारा 1 1 1 1 आएगा। अब यहाँ पे सारा उल्टा है, इसीलिए जब हमारा पहले कैसे रहता था, सारे इनपुट्स 0 रहते थे तो आउटपुट में 0 आता था, यानी कि वो 0 का डेसिमल है, यानी कि वो 0 नंबर है।
पर यहाँ पे सारा उल्टा है, इसीलिए सारे इनपुट जो है वो वन है और आउटपुट पे में हमें वन 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 मिलेगा, यानी कि वो है जीरो। वन के लिए तो हमें जब वन चाहिए तो हमें वन का जो पिन है उसे हमें एक्टिव लो करना पड़ेगा, यानी कि उसे हमें जीरो देना पड़ेगा। उसी टाइम हमें जो हमारा आउटपुट है वहां पे जो डी है यानी कि यहाँ पे जीरो मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन 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 जीरो। नॉर्मल बीसीडी में क्या होता है, वन के लिए जीरो 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 वन, यहाँ पे उसका अपोजिट है। उसी तरह से अब टू के लिए, तो टू के लिए अब हमें जो टू की पिन है उसे एक्टिव लो यानी कि जीरो देना पड़ेगा और बाकी सारे जैसे है वैसे रहेंगे। तो हमें यहाँ पे टू का आउटपुट मिलेगा जो कि एक्टिव लो है, यानी कि यहाँ पे वन वन जीरो वन मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो साइन है उसे बोलते हैं डोंट केयर, यानी कि यहाँ पे अगर हमने जीरो भी दिया है तो भी कुछ नहीं होगा और वन दिया है तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रायोरिटी एनकोडर में वन की प्रायोरिटी कम है और टू की प्रायोरिटी ज्यादा है। यानी कि हमें यहाँ पे हमने अगर जीरो भी दिया है इनपुट में तब भी हमें टू का ही आउटपुट दिखेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से अब वन और टू के लिए कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये जो थ्री है वहां पे हमने जीरो दिया है क्योंकि हमें थ्री का आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पे हमें थ्री का आउटपुट मिलेगा। फोर के लिए हमने फोर को जीरो दिया है, फाइव के लिए फाइव को, फिर सिक्स को, सेवन को, एट, नाइन। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो सारी कंडीशंस है वो डोंट केयर है, यानी कि जैसे जैसे प्रायोरिटी बढ़ती है, यानी कि अब यहाँ पे हमें नाइन का आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट तो हमें नाइन का ही आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे उसको एक्टिव लो इनपुट दिया है। इस तरह से प्रायोरिटी एनकोडर एक्टिव लो के लिए वर्क करता है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।